ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. और सो दिस इज द ह्यूज नायका हॉल वीडियो पार्ट टू. और इसमें जैसे कि मैं अभी मैं वो वाला वीडियो भी बना रही थी, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो. सो दिस इज पार्ट टू. और अब इसमें मैं अनबॉक्स करने जा रही हूँ जो कि ये वाला बॉक्स रह गया था. अभी तक मैंने आपको इस बड़े वाले बॉक्स की अनबॉक्सिंग की वीडियो दिखाई हुई है, तो उसका पार्ट वन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच. सबसे पहले मैं दिखाने जा रही हूँ कि सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि दिस इज ये मैंने मंगाया है. दिस इज फ्रॉम हिमालय सिंस 1930 प्रोटीन हेयर मास्क. एंड ये मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने ये वापस से मंगाया है. तो ये ना आपको इट हेल्प्स यू इन नरिशेज योर हेयर, कीप्स हेयर हेल्दी, है ना. और इसमें चिकपी है एंड आंवला वगैरह है. और इसका मैं आपको एक बेनिफिट बताती हूँ कि लाइक आपको इसको यूज क्यों करना चाहिए, है ना. तो इसका यूज करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो ये आपके बालों में प्रोटीन के लाइक प्रोटीन जो आपके बालों में होता है जिसकी वजह से आपके बाल बढ़ते हैं. हालांकि मेरे बाल काफी काफी लंबे हैं आपको अगर पता होगा तो, बट मेरे को ऐसा हो गया है ना कि थोड़ी सी ना हेयर फॉल की प्रॉब्लम आना शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी. तो अब मेरे को लगता है कि अगर आप अपने बालों में लगाते हो ना तो इससे आपके बाल बहुत ज्यादा स्मूथ भी हो जाते हैं और काफी हेयर फॉल में आपको मदद भी करता है, हेयर फॉल कम करने में आपको मदद भी करता है. तो इसीलिए ये दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर हेयर फॉल आई कैन से. और एक चीज और है कि ये आपको इसका प्राइस मेरे को इसमें 190 लिखा हुआ है, बट लाइक मैंने काफ़ी सारा सामान मंगाया था तो इसलिए इसका प्राइस थोड़ा बहुत कम में हो गया था. आई थिंक 150 या अराउंड इसका प्राइस गया होगा शायद से, वो 175 या फिर. तो मैंने आपको जैसे कि बोला, मैं आपको साइड में सारे चीज़ों के प्राइस मेंशन कर दूंगी. तो ये हिमालयाज का है और दिखने में ऐसा है. इसका एक और आता है, वो भी हेयर फॉल के लिए होता है. उसका वाला उसको मेरे को ज़रूरत नहीं थी उसकी, वो शायद डैंड्रफ के लिए होता है और इसलिए ये वाला मेरे को प्रोटीन वाले की ज़रूरत थी तो इसलिए मैंने ये मंगा लिया था. और साथ ही साथ जब वो क्रीम मंगा लिया तो मैंने सोचा मैं अपने लिए एक हेयर ब्रश भी मंगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास हेयर ब्रश नहीं था. तो इस बार मैंने ये वाला हेयर ब्रश मंगाया. लाइक मेरे पास हेयर ब्रश था बट वो खराब हो गया था तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें ना इसलिए मंगा लेती हूँ कि ज़रूरत है या नहीं. तो ये वेगा का मैंने हेयर ब्रश मंगाया था और इसको ओपन करके देखूँ क्या. अरे यार, ओपन करने में उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसको मैं ओपन करके बाद में देख लूँगी. फिलहाल तो ये हेयर ब्रश इस टाइप से है और दिस ये मेरे को पड़ा था अराउंड 250 का ये वाला हेयर ब्रश था शायद से. तो ये एक हेयर ब्रश मंगाया है और साथ के साथ मेरा काजल खत्म हो गया था. आपने देखा होगा तो काजल मेरे को पसंद भी है तो इसलिए काजल खत्म हो गया था. तो वैसे तो मैं मेबेलिन का येलो वाला जो काजल आता है ना, कोलोसल कलर काजल, तो वो वाला यूज करती हूँ. बट इस बार मैंने फेसेस कैनेडा का काजल मंगा के देखा है और दिस इज इस और ये इस पर लिखा हुआ है फेसेस कैनेडा मैगनेट आइज काजल 24 आवर्स वाटर प्रूफ विथ आमंड ऑयल. तो ये इस टाइप से दिखता है और ये देखते हैं इस बार ये टिकता है अपनी आंखों में या नहीं. बट मेरा फेवरेट काजल तो वही है जो कि मेबेलिन न्यूयॉर्क का कोलोसल काजल है, येलो वाला, और मैं हमेशा वही लगाती हूँ. लाइक मैं बहुत टाइम से वो लगाती हूँ, बहुत टाइम हो गया मेरे को. और एक मैंने मंगा लिया है आई लाइनर जो स्केच वाला था, स्केच वाला आई लाइनर भी. लाइक मेरे पास काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि स्केच वाला आई लाइनर मेरे पास था पहले भी, बट पता नहीं काफ़ी टाइम से मैंने मतलब स्केच वाला काजल आई लाइनर नहीं मंगाया था, तो इसलिए मैंने इस बार स्केच वाला एक आई लाइनर मंगा लिया. बिकॉज यू हेवन का ही है तो इंटेंस आई लाइनर इज स्केच एक्सट्रीम ब्लैक. तो ये एक्सट्रीम ब्लैक है या नहीं चलो चेक करते हैं एक बार ही ना. मेरे पास जो पहले स्केच वाला आई लाइनर था ना, तो वो वाला पता कैसा था कि वो ना मैं एक बार मॉल गई थी तो मॉल से मैं वो वाला लेकर आई थी और अभी वो पता नहीं कहाँ घूम गया है, मैं आपको दिखाती. तो उसके ना इधर साइड में और इधर साइड में दोनों साइड में स्केच था, एक साइड में थोड़ा सा वाइड वाला था और एक साइड में थोड़ा सा ऐसे एक लाइन करने वाला था. तो ये है लाइनर, वाओ, ब्लैक तो है यार, इंटेंस ब्लैक आप देख सकते हो. आज मेरा हाथ ही सारी चीज़ों पे लाइक वो करने के लिए हो गया है क्या. एक मैंने ये वाइट कलर का काजल मंगाया है, इसको एक बार लगा के देखते हैं. बहुत अच्छा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड तो नहीं है, बट ठीक है, सही है, कोई नहीं. इसको बाद में यूज़ करके देखती हूँ मैं कि कैसा है. और अब ये तीन आ गई हैं लाइनर्स जो कि
अगेन अगर लिपस्टिक ना हो तो मेरा काम ही नहीं चलता, तो इस बार मैंने लिप लाइनर्स मंगा रखे हैं। इस टाइप का ये वाला शेप मेरे पास ऑलरेडी था तो इसलिए, बट ये ख़त्म होने वाला था, मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें ना छोटा थोड़ा सा रह गया बिल्कुल, तो इसलिए मैंने ये वाला भी मंगा लिया है। और ये है मिस क्लेयर का, और इसका मिस क्लेयर का ये है हॉट पिंक शेड नंबर, हॉट पिंक एंड नंबर है L42। तो इसका L42 मिस क्लेयर और हॉट पिंक का इसका, इसको एक बार ट्राई करके देखती हूँ इसको क्या ट्राई करना, बट मेरे पास है इसको, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा लगता है। फुल का सेम सेम आ जा भाई। ओके यस, तो ये शेड तो बहुत ही प्यारा लगता है मेरे को, ये शेड आपको दिखाती हूँ। देखिए ये कलर, इसका कलर बहुत ही प्यारा लगता है, लाइक पिंक शेड में आपको बहुत ही प्यारा सा वो मिल जाएगा। और दिस इज शेड नंबर, ये भी मिस क्लेयर का है, दिस इज रोमांटिक पिंक। कैसे मैं, मेरे को पिंक कलर लाइक मेरे को पिंक एज इन पिंक नहीं अच्छा लगता, बट फिर मैंने कैसे कितने सारे पिंक मंगा के रखे हुए हैं ना। तो दिस इज शेड नंबर L28 और आ जा भाई। अच्छा ये लॉक था इससे अच्छे से, और मैंने ये थोड़ा ब्राउन कलर के शेड में है, ये पिंक शेड तो इसको नहीं बोलोगे आप, ये थोड़ा ब्राउनिश कलर में है, ब्राउन बोले तो थोड़ा सा ये वाला शेड नंबर, ये वाला, ये इससे मैच कर सकता है थोड़ा थोड़ा शायद से, देख सकते हो आपको लग रहा है क्या इससे मैच कर सकता है, कैसे मेरा हाथ हो रखा है, कोई नहीं। तो एक तो हो गया ये, एक हो गया ये, और एक और ये है स्विस ब्यूटी का अगेन मैं आपको बोलूंगी कि वेट, सो स्विस ब्यूटी का आई वुड से कि मेरे को बहुत ही, लाइक इसके प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन प्रोडक्ट्स होते हैं और बहुत ही प्यारे प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक स्विस ब्यूटी का और इनसाइड का भी। अगर आपको थोड़ा सा कम पैसों में लाइक बजट, थोड़ा सा बजट बनाना है अगर, या थोड़ा सा, तो आप मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ना ये सारे उसके ले सकते हो, क्योंकि इसके थोड़े बहुत मतलब ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, बट बहुत ही अच्छा ब्रांड है। और इसका ना, इसका देखिए अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि ये जो मिस क्लेयर के ये जो ये है ना लिप लाइनर्स, तो इसमें और इस वाले में क्या फ़र्क है। ये बहुत ही, इसका कलर भी आप देख सकते हो, इसका कलर बहुत ही प्यारा आ रहा है, ठीक है, तो इसका कलर भी देख सकते हो आप, इसका कलर भी देखो आप, बहुत ही प्यारा आता है। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, मतलब ये और ये दोनों शेड है थोड़ा सिमिलर ही है, बट ये वाला इसका जो है ना, ये बहुत ही स्मूथ, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही प्यारा टेक्सचर है इसका। इसका थोड़ा सा मैट में आ जाता है, अगर आप पूरे लिप्स पे अगर इसको लगाते हो तो लाइक आपके लिप्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई फील करोगे आप, और कोई लिप लाइनर्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा पैची से हो जाते हैं, बट इसमें इसके केस में ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ये वाला बोलूँगी कि आप स्विस ब्यूटी के लीजिए। ओके तो ये रहे लाइनर मेरे तीन, और दिस वॉज वाई लाइनर मतलब वाइट वाला, तो ये चार लाइनर हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सारी शॉपिंग हो गई है एक बार में ही। तो अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाने जा रही हूँ जो कि मेरी फेवरेट है। अब आप लोग गैस कर सकते हो कि वो क्या है, गैस कर सकते हो कोई भी, एनी गैसेस। ओके तो कोई बात नहीं, आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये है मेरी दो लिपस्टिक्स जो कि है, देख सकते हो, ये है मेरी दो लिपस्टिक्स जो कि दो डिफरेंट कलर में है, और ये है फ्रॉम मैट लिप अल्ट्रा स्मूथ मैट लिक्विड लिपस्टिक्स। तो ये है स्विस ब्यूटी की तरफ से, ये भी स्विस ब्यूटी की ही है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्विस ब्यूटी मेरे को अच्छा ब्रांड लगता है और काफ़ी अच्छा ब्रांड है, सच में बहुत ही प्यारा ब्रांड होता है। और इसके ये दो लिप कलर जो कि मेरे पास रेड कलर में शेड्स थोड़े कम पड़ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं रेड लिपस्टिक्स भी मंगा लेती हूँ, इसमें कोई कलर तो है नहीं, और वैसे भी लिपस्टिक अपने लिप्स कितने भी लिपस्टिक लगे हैं। तो ये दोनों कलर है, अब ये थोड़ा सा मरून कलर में है और ये थोड़ा सा रेड कलर में है, तो मैं इस दोनों के खोल के दिखा देती हूँ। फिर से गिर गया, देखिए फिर से गिर गया। तो ये चीज़ है, अगर मेरे वीडियो में कोई चीज़ गिरे ना तब तक मेरी वीडियो कंप्लीट ही नहीं होती है शायद से। ओके तो अब ये मेरे पहले वीडियो के सारे कलर हैं, तो अगर आपको ये शेड के नाम या फिर वो पता करना है तो आप पहले वाले वीडियो देख लेना चाहते एक बार ही। इसको मैं ओपन करके देखती हूँ, अच्छे से पैक करके ले लेते हैं ना, मज़ा आता है।
मेरे को पैकिंग भी अगर अच्छी होती है ना तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट होता है उस ब्रांड के लिए, बट मेरे को बहुत 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 पसंद है ना। तो सबसे पहले ये मरून वाला खोल के देखते हैं ना। और ओके देखा, बहुत ही प्यारा, खराब नहीं करनी है यार, वेस्ट नहीं करनी है अपने कोई भी लिपस्टिक। तो इसको अंदर डाल देते हैं और अब कहाँ लगाऊँ मैं, जगह भी नहीं बची है भाई। यहाँ पे लगा देती हूँ। क्या प्यारा कलर, क्या प्यारा शेड आया है इसका ना, शेड इसका मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज वाइन रेड। हाँ यार, मेरे को वाइन की तरह लग भी रहा था। मैं देख रहा हूँ क्या शेड, क्या प्यारा शेड है। और ये है 06 नंबर और वाइन रेड है इसका ये कलर नेम। और मैट लिप की है ये स्विस ब्यूटी का। बहुत ही प्यारी है यार ये तो। मेरे को कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसको एक बार मैं लगा के जरूर देखना चाहूँगी, पसंद है, अच्छा ही लगने वाला है आई नो। और ये था रेड वाला। तो इसका शेड नंबर है 35 एंड कलर नेम इज रनवे। ये तो 35 खोल के देखते हैं। ओह, एक ब्लड रेड नहीं होता, ब्लड रेड, तो ये ब्लड रेड वाला है बिल्कुल, ब्लडी रेड। आई लव इट। ओके, तो अब मैं इसको पास में नहीं लगाऊंगी, इसके साइड में लगा देती हूँ। ये देख सकते हो आप, क्या खूबसूरत कलर है ना। लेकिन ये कलर ऐसा नहीं है कि आप रोज रोज लगा सकते हो, रोज रोज करके तो कौन ही सारे लिपस्टिक लगाता है नहीं। बट ब्लड रेड होता है ना, तो इसको लगा के प्रैंक भी कर सकते हैं कि वो मेरे तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है यार इस वाले कलर को देखे तो। लाइक एक होता है ना कि मेरे को लिपस्टिक वैसे भी बहुत पसंद है, आपको पता है ना। तो और ये जब इतने प्यारे प्यारे कलर आते हैं ना, तो और भी दिल खुश हो जाता है, और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो अभी मेरे को पता क्या लग रहा है कि एक मेरे को पार्ट 3 बनाने चाहिए थे इस वाले वीडियो के, जिससे कि आपको मैं सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक के बारे में दिखाती हूँ। बट इट्स ओके, आप देख सकते हो ये सारे कलर हैं और क्या मेरा हाल हो चुका है, शिट यार। कोई नहीं, तो ये वाला कलर वाइन रेड वाला बहुत अच्छा है और ये वाला रेड वाला भी अच्छा है। आपको सबसे प्यारा कलर कौन सा लग रहा है आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार अगले वीडियो में मिलते हैं और किसी अच्छे से वीडियो के साथ में। एक चीज़ और है जो कि मैंने मंगा रखी है, बट उसको अब मैं इस वाले वीडियो में नहीं बनाती हूँ, तो इसलिए अब मैंने मूड चेंज कर दिया है कि मैं वो नहीं दिखाऊंगी, मैं उसको अगले वीडियो में दिखाऊंगी, है ना। पार्ट 3 बनाते हैं, एक और बॉक्स है उसका मैं पार्ट 3 बनाऊंगी और उस वाले बॉक्स में मैं आपको दिखाती हूँ कुछ नए वीडियोस, कुछ नए शेड्स, कुछ नए कलर्स, कुछ नई चीज़ें, है नी। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे ये वाले ब्लॉग्स, ये वाले चैनल के वीडियोस। अगले बार वीडियो में मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, खुश रहिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए, शॉपिंग करते रहिए और लिपस्टिक लगाते रहिए। ये देखिए, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको सबसे प्यारा शेड कौन सा लगा है। और अगर आपने पहला लाइक इस वाले वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आप प्लीज़ जाकर पार्ट 1 देखिए। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।